हाय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर। आज हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर से जुड़े हुए वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप इस बार 12th बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि वेक्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आएंगे इस वीडियो के देखने के बाद आपसे एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। वेक्टर के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं वेक्टर से रिलेटेड आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ। तो वेक्टर से लगभग हमारे बोर्ड में प्रत्येक साल 3 से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्लस लगभग 4 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिला के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को मिलाकर लगभग 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन हमारे बोर्ड में प्रत्येक साल पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम वैसे क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे जो कि कई बार हमारे बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट है 7i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस के वेक्टर का मापांक क्या होगा। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहा होगा। क्वेश्चंस कह रहा है कि 7i माइनस 2j प्लस के का मापांक क्या होगा। तो मापांक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो चलिए ए के जगह पर क्या दिया गया है 7, बी के जगह पर क्या दिया गया है 2, और सी के जगह पर क्या कुछ नहीं है तो क्या छुपा हुआ है, यहाँ 1 छुपा हुआ है। तो चलिए फॉर्मूला में रखते हैं। तो ए के जगह पर क्या है 7, तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। बी के जगह पर क्या है माइनस 2, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। और सी के जगह पर जब कुछ नहीं है तो क्या रहता है, वहाँ 1 छुपा रहता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 के स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है तो 4 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 इक्वल। अब यहाँ हमारा आ जाएगा 49 4 53 और 1 54, रूट अंदर कितना हो जाएगा हमारा 54। अब 54 को जब हम फैक्टर करेंगे तो हमारा आएगा 3√6, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारा आंसर होगा 2√3, तो मापांक कितना हो जाएगा 2√3, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड में एक प्रत्येक साल पूछा जाता है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उसे आप कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर बनाएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर 2 कहता है कि a vector.b vector = 0 हो तो हमारा आंसर दिया गया होगा। तो a vector.b vector = 0 कब होता है, तो जब a vector लंबवत हो किसके b vector के। कैसे होता है तो देखिए फॉर्मूला होता है a vector.b vector = |a vector| और |b vector इनटू क्या होता है cos थीटा। तो जब हम यहाँ cos थीटा के जगह पर 90 डिग्री पुट करेंगे तभी ना a और b एक दूसरे के लंबवत होगा। तो चलिए पुट करते हैं। तो a vector.b vector और cos थीटा के जगह पर क्या पुट करेंगे 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, ये आप जानते हैं पाल। तो a वेक्टर और डॉट b वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब 0 यहाँ पुट करेंगे
तो ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर, तो यहाँ कितना हो जाएगा जीरो, और जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जीरो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया जीरो। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो कब होता है, जब ए बी के क्या हो, लंबवत हो। तो आप जान गए कैसे होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। हम वैसे ही क्वेश्चंस वेक्टर से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर थर्ड में कह रहा है कि बिंदु 1, 0 और 2 दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका स्थितिक सदिश क्या होगा। क्वेश्चंस नंबर हमारा थर्ड दिया गया है 1, 0 और 2 और इससे हम इसका हमसे स्थितिक सदिश पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि स्थितिक सदिश हम कैसे निकालते हैं। तो हमने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चंस में बताया था कि ए आई वेक्टर प्लस बी जे वेक्टर प्लस सी के वेक्टर होता है। तो वैसे ही देखिए, ए के जगह पर क्या दिया गया है 1, बी के जगह पर क्या दिया गया है 0 और सी के जगह पर क्या दिया गया है 2। यही मान जब हम यहाँ पे ए और बी और सी के जगह पर पुट कर देते हैं तो हमारा स्थितिक सदिश निकल जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्थितिक सदिश। तो चलिए रखते हैं, तो ए के जगह पर 1 रखेंगे और आई में आई वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई वेक्टर ही होगा प्लस बी के जगह पर जब 0 रखेंगे और जे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0 प्लस सी के जगह पर 2 रखेंगे और के वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 के वेक्टर इक्वल टू आई वेक्टर। 0 वेक्टर है तो 0 वेक्टर को नहीं लिखते हैं, 0 को नहीं लिखते हैं, प्लस 2 के वेक्टर हमारा हो जाएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो आई वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो हमारा ऑप्शन नंबर है वो डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर है हमारा 4। क्वेश्चंस नंबर 4 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चंस नंबर 4 कहता है कि y अक्ष का द्विकोज्य हमसे क्या पूछा जा रहा है, द्विकोज्य हमसे पूछा जा रहा है y अक्ष का द्विकोज्य। तो देखिए, जब भी हमसे या तो y अक्ष का द्विकोज्य पूछा जाए या x अक्ष का द्विकोज्य पूछा जाए या फिर z अक्ष का द्विकोज्य पूछा जाए, यदि तीनों में से किसी भी अक्ष का द्विकोज्य हमसे पूछा जाए तो जिसका द्विकोज्य पूछा जाएगा उसका मान 1 और बाकी का मान 0। x y z तीन तरह का होता है और जिसका मान पूछा जाए उसको हम 1 और बाकी 2 को क्या हो जाता है 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चंस नंबर 4 कह रहा है कि y अक्ष का द्विकोज्य क्या होगा। तो यहाँ पे हमसे y अक्ष का द्विकोज्य पूछा जा रहा है। तो देखिए, जब भी हमसे या तो y अक्ष का द्विकोज्य पूछा जाए या फिर x अक्ष का द्विकोज्य पूछा जाए या फिर z अक्ष का द्विकोज्य पूछा जाए, इन तीनों में से किसी भी अक्ष का द्विकोज्य पूछा जाए तो द्विकोज्य निकालने के लिए हम जिसका द्विकोज्य पूछा जाए, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चंस में y का द्विकोज्य पूछा जा रहा है तो y के जगह पर हम क्या रख देंगे, y का मान 1 हो जाएगा और बाकी x और z का मान क्या हो जाएगा 0। x के जगह पे क्या हो जाएगा 0 और y के जगह पे क्या हो जाएगा 1 और z के जगह पे क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ हमसे y अक्ष का द्विकोज्य पूछा गया है तो इसलिए 0, 1 और 0 हो जाएगा। यहीं पे अगर हमसे x अक्ष का द्विकोज्य पूछा रहा था तो x के जगह पे 1
वाई के जगह पे जीरो और जेड के जगह पे जीरो। यदि हमसे यहीं पे जेड अक्ष का द्विकोजीय पूछा गया रहता तो हम एक्स के जगह पे जीरो, वाई के जगह पे जीरो और जेड के जगह पे वन दे देते। लेकिन हमसे यहाँ पे वाई अक्ष का द्विकोजीय पूछा गया था तो वाई अक्ष के जगह वाई अक्ष जो कि क्वेश्चन नंबर चार है तो उसका हमारा आंसर क्या हो गया, जीरो, वन और जीरो। वेक्टर से रिलेटेड आज हमने लगभग चार से पांच क्वेश्चंस देखा है। ये जितने भी क्वेश्चंस आज हमने आपसे डिस्कस किए हैं वे सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कई बार हमारे बोर्ड में पूछे जा चुके हुए क्वेश्चन थे।